न्यूक्लियर एनबीसी। हाँ एनबीसी, अगर इस टाइप की कोई इमरजेंसी में हमें काम करना होता है तो हम किस प्रकार से काम करते हैं और किन किन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपने MFR सीखा था, उसमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया है ना, फेस मास्क पहना होगा, गूगल्स ग्लोव्स है ना। उसी प्रकार से जब हम CBR एन इमरजेंसी में काम करने के लिए जाते हैं तब भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि हमें कोई हमारे बॉडी के ऊपर कोई केमिकल का असर ना पड़े, कोई रेडिएशन का असर ना पड़े। मारे गए बहुत सालों से वो फैक्ट्री थी, ऐसे हमारे आसपास बहुत फैक्ट्रियां हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है या जिनको प्लानिंग नहीं है, दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड पीपल आर डाइंग, गेटिंग द विक्टिम ऑफ दोज केमिकल लीकेजेस एंड ऑल। तो डी कंटामिनेशन मतलब जब आप किसी केमिकल में या ऐसी रेज में चले जाएं तो ये सूट पहनने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम जब किसी सीवियर इमरजेंसी में काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे अलग अलग स्टेशन होते हैं, अलग अलग इसके काम करते हैं। एक होता है डिकोन स्टेशन, जहाँ पे कोई विक्टिम इफेक्टेड हो जाता है उसको ले आते हैं तो शुद्ध करते हैं, मतलब जो भी केमिकल रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा उसके ऊपर उसको जहाँ पे कम करते हैं उस स्टेशन को बोलते हैं। ब्रोमोबुटाइल रबड़ का बना होता है और इसके ऊपर टेफ्लॉन और न्यूट्रिन की लेप लगी होती है। इससे फ़ायदा यह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर मान लो 200-220 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट नहीं सेंटीग्रेड बात कर रहा हूँ, तो उस टेम्परेचर में भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा कोई भी इसके अंदर कंटामिनेशन नहीं जाता है, ठीक है, कुछ कंडीशन तक इसके अंदर हवा नहीं जाती है, इसलिए हम ऑक्सीजन बिल्कुल ना हमारे बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर जाएगा ना एनवायरनमेंट का अंदर आएगा। कितनी देर तक ये चल सकता है इसका यूज? इसका अलग अलग कंडीशन, अगर आप सल्फर मस्टर्ड केमिकल में काम कर रहे हैं तो दो घंटे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट होता है, बाकी केमिकल्स में 6-8 घंटे। और इसकी क्या लिमिट है, कितनी देर तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर चलता है? ओके, ये सेकंड होता है कार्बन कॉटर, जो हमारा कोयला होता है चारकोल जिसको बोलते हैं, उसकी एक लेयर लगी होती है और जो अंदर की लेयर होती है इनर लेयर वो कार्टन की होती है। तीनों लेयर का अलग अलग काम है इसमें, जो मेन काम इसमें है जो आपका कार्बन कॉटेड लेयर है वही जो भी कंटेमिनेशन दूषण है उसको प्यूरीफाई करने का सेकेंड लेयर काम करता है। ओवरबूट, ये भी ब्रोमोबुटाइल रबड़ के बने हुए हैं जिनको हम नॉर्मल सूज के ऊपर पहनते हैं CBR इमरजेंसी के। कितना वेट बर्दाश्त कर लेते हैं अगर गिर जाए पैर पर? तो ये वेट के लिए नहीं, अच्छा दिस इज फॉर जनरल फॉर दिस ओनली। हाँ ये वेट के लिए नहीं, वेट के लिए हमारे पास नेक्स्ट दूसरे होते हैं। ये हैं ग्लोव्स, ये भी ब्रोमोबुटाइल रबड़ के बने होते हैं। कौन से रबड़ के बने हैं? ब्रोमोबुटाइल रबड़ के, अभी फर्स्ट बार में। ये रेस्पिरेटर है और ये कनेस्टर है। ये लगा कर दिखा सकते हैं? पहनो, ले जाए सूट पहन सकते हो क्या?